तो आज हम सी प्लस प्लस में बना रहे हैं एम सी क्यू ऐप, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एन सी क्यू ऐप, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं फॉरवर्ड स्लैश एन और ये स्टार दे रहे हैं ताकि स्टार इसके नीचे जाए। तो अभी हम प्रोग्राम को न्यू लाइन के लिए ना, न्यू लाइन के लिए ठीक है, न्यू लाइन के लिए दे दिया हमने इसके अंदर, ठीक, और थोड़ा सा इसको आगे करके लिख दिया ताकि ये सही तरह इसका आउटपुट दिखाए, ये देखें, ठीक है, थोड़े से स्टार ज़्यादा हुए तो अभी हम कम कर लेते हैं, ये सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे सी आउट लेस देन डबल कोट्स और ये आ गए इस पर, यहाँ से न्यू लाइन ली। अब एक क्वेश्चन हमें टाइप करना है तो दो न्यू लाइन ले ली, ये फॉरवर्ड स्लैश एन ऐसे लगाना, ठीक है। अब क्वेश्चन आपने ले लिया मिसाल के तौर पे व्हाट इज सी प्लस प्लस, अब ये क्वेश्चन है जो लिखा हुआ आएगा, तो चेक करते हैं प्रोग्राम पे, कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ, F11 से मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखिए लिखा हुआ रहा है व्हाट इज सी प्लस प्लस, अच्छा प्रेस यानी कि उसी के साथ लिखा हुआ रहा, अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके लिए आप एक फंक्शन यूज कर लें सी आउट लेस देन एंड एल एंड लाइन, एंड लाइन मतलब अब ये अगली लाइन में नजर आएगा सिस्टम पास जो है, ये देखिए आप सेट हो गया, एमसीक्यू ऐप लिखा हुआ रहा है, व्हाट इज सी प्लस प्लस लिखा हुआ रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन से पहले अगर लिखना चाह रहे हैं क्वेश्चन तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें क्वेश्चन वन, ठीक है, हमने इस तरह से कर लिया, ओके। ये भी हमने आउटपुट सेट किया अपनी ऐप का। अब नीचे आ जाते हैं, अब ये हमसे इनपुट मतलब को चार ऑप्शन भी दिखाए ना, सी आउट लेस देन तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं डबल कोट्स, और अच्छा अगर आपको ये न्यू लाइन पे जरा मिस्टेक प्रॉब्लम होती है तो एंड एल यूज कर लें, इसका काम भी यही न्यू लाइन, ठीक है ना, एंड लाइन कमांड यूज कर लें, इसको लिखना पड़ेगा उसमें फॉरवर्ड स्लैश एन लगाने का काम एक ही है लेकिन जैसे आपको वैसा लगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ए, ठीक है, या अगर आप ए ले लें, चले ए, और अब ए में लिख रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये इसका एक जवाब है जो यूजर को दिखाई देगा। अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसी गेट कोड को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, कितने ऑप्शन बनाने, ऑप्शन बी, ठीक है, और कंट्रोल सी से पेस्ट तो करना आता है ना, कॉपी पेस्ट वो कर दिया, और इसको हमने लिखा यहां पे सपोज टू बी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, और यहां पे हमने दिया सपोज टू बी वर्कशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है, और यहां पे हमने लिखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सही समझ में आ रही बात। अब चला के देखते हैं ऐप में आ रहा है, ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर वन और उसके चार ऑप्शन बकायदा लिखे हुए आ गए, सही, अभी तो अभी आउटपुट बनाया हमारे प्रोग्राम का। अब नीचे आएंगे तो यहां पे यूजर से इनपुट ले, तो हमने सी आउट करके एंड एल लाइन लगा दिया ताकि वो न्यू लाइन पे इनपुट ले लेगा, ये एंड एल का मतलब कमांड है न्यू लाइन पे कर्सर को भेजेगा प्रोग्राम के दौरान उस स्क्रीन पे प्रोग्राम वाली इस पर। तो यहां पर अब आपने कहा कि भाई मिसाल के तौर पर ठीक है अगली लाइन पे यूजर का इनपुट, इनपुट इनपुट मतलब वो कुछ लिखे, जैसे ए लिखे बी लिखे सी लिखे डी लिखे, जो भी लिखेगा वो आंसर तो लेगा ना, ए बी सी डी टाइप करेगा ना, तो वो किसमें स्टोर होगा जाके। अब यहां पर एक बात आती है कि नंबर स्टोर करने के लिए तो हमने डबल टाइप का वेरिएबल लिया था, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल लेंगे चार, सी एच ए आर चार कमांड है, सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल लेंगे, सपोज उसका नाम हमने रख लिया चॉइस, क्या नाम रख लिया चॉइस। अब चॉइस के अंदर इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे, सी इन कमांड लिखेंगे ग्रेटर देन और कह देंगे चॉइस वेरिएबल का नाम कि भाई इसके अंदर इनपुट ले दो। तो जैसे अब हम प्रोग्राम रन करेंगे, ओके स्पेलिंग गलत है तो एरर दे दिया ना उसने, तो देखो खुद बता भी रहा है, मैं कह रहा हूँ इससे बेहतर क्या चीज होगी, चॉइस हम चला दिए यहाँ पे, अब वो कह रहा है चॉइस अब पता ही नहीं पड़ रहा क्या करना है, तो एक मैसेज तो लिखो। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक मैसेज लिखते हैं कहाँ पे, इनपुट से पहले, इनपुट से पहले मैसेज लिखेंगे, तो मैसेज लिखने के लिए हमारे पास कमांड है सी आउट आउट लेस देन सी आउट लेस देन सेमीकोलन, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंटर चॉइस, ठीक है एंटर चॉइस। अब वो यूजर को अब समझ में आएगा कि क्या करना है, सही, एंटर चॉइस का मतलब वहां पे ए लिखेगा बी लिखेगा सी लिखेगा डी लिखेगा कुछ तो लिखेगा ना, तो वो जो भी लिख रहा है जैसे लिख के एंटर करेगा तो प्रोग्राम हमारा बताए हमें कि ये आपका जवाब सही है या गलत है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखें इस तरह हम अपने प्रोग्राम में एक डिसीजन मेकिंग पावर ऐड करेंगे, क्या करेंगे डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब प्रोग्राम देखे कि ऑप्शन चारों में से कौन सा सही है और बता दे, हमें पता है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, लेकिन प्रोग्राम में ये चीज कैसे ऐड की जाए कि प्रोग्राम खुद से समझना शुरू करे, इसी चीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कवर किया जाता है। तो हम एक और फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन, इफ
इसको इस तरह लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इफ कंडीशन ब्रैकेट्स और उसका बॉडी ब्लॉक, इस तरह से लिखा जाएगा इफ फंक्शन, ये काम करेगा। हम कह रहे हैं इफ 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 चॉइस चॉइस, ये चॉइस वेरिएबल का नाम है जिसमें वो ए बी सी डी जो भी लिखेगा, ठीक है, डबल इक्वल मतलब बराबर है, ठीक है, डबल इक्वल माने, और एक इक्वल वाले माने असाइन कर दो साइड वाली वैल्यू उस पर असाइन कर दो, यहां डबल बराबर है तो क्या चेक करना है, सिंगल कोट्स, क्या लगाए हमने, सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स में हमें बताना है किसके, डी के, ठीक है। अब चॉइस की वैल्यू अगर डी है तो आंसर क्या करना है, हमें सही करना है, तो हम उसको यहां पे एक मैसेज देंगे चॉइस सी आउट लेस देन करेक्ट सी ओ आर करेक्ट, ठीक है। अब चूंकि ये न्यू लाइन पे दिखाना है तो मैं यहां पे दो लाइन का न्यू लाइन लगा रहा हूं ताकि यहां पे करेक्ट दिखा दे, ठीक है, ओके। अभी चेकते हैं, रन करते हैं, एरर आ गया इसके अंदर, क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड टोकन बिफोर, इसके टोकन बिफोर कह रहा है, सेमी कॉलन नहीं लगाया ना यहाँ पे, ये नहीं लगा, सेमी कॉलन हर स्टेटमेंट के एंड पे लगेगा, याद रखने, ओके ये रन हो गया प्रोग्राम। तो कह रहा है एंटर चॉइस, अब देखिए मैं डी लिख रहा हूं उधर कैपिटल है मैंने स्मॉल लिखा है, क्या कह रहा है, करेक्ट। अच्छा अगर कभी गलती से यूजर ने अगर कैपिटल डी लिख दिया मिसाल के तौर पे तो कुछ भी नहीं बता रहा प्रोग्राम, प्रोग्राम समझो कि एक मशीन है, मशीन को नहीं समझ में आती तो हमें उसका भी कोड करना पड़ेगा, तो भी इसका कोड कैसे होगा, फिर हम कहेंगे इफ चॉइस बराबर है स्मॉल डी के स्पेस एंड डबल एंड, या एंड नहीं लगाए, यहां लगाए दो पाइप साइन, ये इंटर के ऊपर बटन जो इससे सीधी सीधी लाइंस होती है, इसका मतलब है और माने या, या चॉइस बराबर है किसके, कैपिटल डी के, तो दोनों सूरतों में क्या दिखाए, करेक्ट। देखिए अब आपका प्रोग्राम काम कर रहा है, ये देखिए मेरा रन किया प्रोग्राम, अब मैं लिख रहा हूं कैपिटल डी, क्या कह रहा है, करेक्ट, और देखिए फिर मैं आगे लिख रहा हूं स्मॉल डी, तो क्या कह रहा है, अब रुको तो सही आ रहे हैं ना इस तरफ, ठीक है। अच्छा अब रोंग कैसे बनाए, क्योंकि अब देखिए अगर कोई सी नहीं लिख रहा है, डी नहीं लिख रहा है, ए लिख रहा है, तो उसको रोंग तो बताए, तो बता रही नहीं है, क्योंकि हमने नहीं बताया प्रोग्राम को क्या करता है। अब प्रोग्राम को समझाएंगे, प्रोग्राम को कहेंगे इसके साथ अगर हम इनिशियल स्टेज पे कोड कर रहे हैं तो देखिए दो तरह से हो सकते हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई अगर ये राशिद आए, इसी तरह नहीं हो सकता, सुन तो ले पहले पूरी बात, राशिद आए तो आपने उसको कहना है अंदर जाओ, लेकिन सचित आए तो उसको मना कर देना है, जलील आए तो उसको मना कर देना है, बासित आए उसको भी मना कर देना है, गुलशन आए उसको भी मना कर देना है, ऐसे बताऊं या मैं आपको ऐसे कहूं सिर्फ राशिद को आने देना बाकी जो भी आए उसको मना कर देना, इनमें से दोनों बातें अलग अलग हैं, समझने का फर्क है ना। तो हमें अपने प्रोग्राम को कैसे समझाना है, ऐसे समझाना है कि अगर राशिद आए तो आने देना है, जलील आए तो मना कर देना है, सचित आए तो मना कर देना है, ऐसे समझाना है, ऐसे कैसे, सिर्फ राशिद आए तो उसको आने देना है बाकी सबको मना कर देना है। अभी सोचें कैसे बताएं हम, पहली बात के दूसरी जिनके नाम है ना वही नहीं आए, बस जिसका नाम है वो आए और बाकी कोई भी नहीं आए, ऐसे बताऊं या हर किसी के नाम लेके बताऊं, हर किसी के नाम से बताएं, तो फिर हर किसी के नाम से तो आपको इस कोड को ऐसे कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहां जाके फिर पेस्ट करना पड़ेगा, फिर यहां बताना पड़ेगा भाई अगर कोई ए छोटा ए लिखे या कोई बड़ा ए लिखे तो उसको कहना है रॉन्ग, ठीक है, और फिर कॉपी पेस्ट, फिर अगर कोई छोटा सी लिखे या बड़ा सी लिखे तो उसको कहना है रॉन्ग, सही है, फिर कॉपी कर ले फिर पेस्ट करें, बस हो गए ना तीनों चॉइस, तो चले ऐसे बता दें। वो पहले एक तो समझ लो करके, तो मैं जा रहा हूँ क्या, ठीक है। अब हमने ए लगाया तो कह रहा है रॉन्ग, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रन किया प्रोग्राम को, कैपिटल बी लगाया कुछ भी नहीं बताया, बी का लिखा नहीं था कोड, ठीक है, ए और सी का लिखा ना, बी का नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं छोटा बी और बड़ा बी, सेव और रन किया प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करके, रन और कंपाइल की शॉर्ट की है F11 और कंपाइल की शॉर्ट की है F9 और रन की शॉर्ट की है F10 और दोनों एक साथ करना है तो F11, ठीक है। तो यहां पे हमने दबाया B तो कह रहा है रॉन्ग, ठीक है, फिर हमने दबाया C तो क्या कह रहा है रॉन्ग,
लेकिन अगर किसी ने एक्स दबा दिया तो क्या कहेगा? फिर कुछ नहीं कह रहा। तो अब क्या आप सबके लिए बताओगे एक्स वाई जेड क्यू व्यू? तो इसके लिए वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा है कि एक को अलाउ करो और बाकी सबको क्या कर दो, रॉन्ग कर दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इतना कोड करने की जरूरत नहीं है। अब ये इतना कोड करा दिया है, चलो इसकी एक और फाइल सेव एज करके बना देता हूं, सेव एज, और इसका नाम था एमसीक्यू ऐप वर्जन 2। वर्जन 1 भी बना दिया मैंने, वर्जन 2 भी बना। वर्जन 2 में क्या करेंगे, इतना कोड नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे या इफ लिखेंगे, सिर्फ करेक्ट वाला। कौन सा वाला? करेक्ट वाला, कि भाई डी चॉइस है ये सही है। और अब इसके साथ, इसके साथ अलग से नहीं, इसके साथ एक और कोड यूज होता है जिसको हम कहते हैं एल्स, और एल्स का बनाएंगे ब्लॉक, और उसमें जाके क्या लिखेंगे, बस अगर कोई डी छोटा बड़ा दबाएगा तो ये कोड चलेगा, बाकी कुछ भी लिखोगे तो सिर्फ ये कोड चलेगा। आसान हो गया ना काम, समझे? चेक कर लेते, चले भाई एफ लाइन 11 चलाओ भाई। ए एक्स आना चाहिए था, शायद कंपाइल नहीं हुआ होगा, एक दोबारा देखते। बी रॉन्ग, ठीक है, और सी रॉन्ग, ऑप्शन डी करेक्ट, ई, अच्छा ई पर भी देना चाहिए ना इसका, हाय हाय थोड़ा सा चेंज आ गया इसके अंदर।